अगर आप भी सच में इतनी अर्निंग करना चाहते हैं डॉलर में 100-200 डॉलर, तो आप इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो के एंड तक आपको कुछ पॉइंट नोटिस कराएंगे, आपको एक शॉर्टकट यूज़ करना चाहिए या लॉन्ग कट, उस तरीके से आपको 2 स्टेप बताए हैं। फर्स्ट और सेकंड स्टेप, दोनों स्टेप से आप अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सेकंड स्टेप आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर वॉच करना अगर आप सच में अर्निंग करना चाहते हैं। हाँ जी, आपने काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे मेक मनी ऑनलाइन, और आपको काफ़ी सारे एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए बताते हैं, एक क्लिक में आप गेम बना सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में आप क्लियरिटी बात करते हैं और सही तरीका देखेंगे हमारे पास, किस तरीके से हम सही तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। तो ज़्यादा ना देरी करते हुए चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर, और मैं आपको सही तरीके और जो यूट्यूब पर आपको तरीका बताते हैं उस तरीके से बात करते हैं, और आपको सही तरीका वीडियो के एंड तक सही तरीका मिल जाएगा आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है, आपको यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियो में बताया कि आप एक मतलब कोई भी टूल है काफ़ी सारे मार्केट में, जैसे ऐप क्रिएटर 24, उसको ले लेते हैं। तो उसके ऊपर हम चलते हैं और उसके ऊपर हम डिटेल से बात करते हैं। क्रोम ब्राउज़र आपने ऑन कर लिया और यहाँ पर आप देखो कि ऐप क्रिएटर 24 ही हमारे पास फर्स्ट नंबर पर साइट आ रही है। ये वही साइट है जिसके ऊपर आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, जो मैं आज आपको डिस्कस कर रहा हूँ आज। तो सबसे पहले ऐप क्रिएटर 24 ही आपकी वेबसाइट है, यहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं। हमारे पास लॉगिन है, 1 मिलियन एक्टिव क्लाइंट है इनके, 2 मिलियन क्रिएटिव ऐप है क्रिएट, और 5 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स हैं। 10 ईयर्स वर्किंग हो गए इनको काम करते हुए, ठीक है। इसके ऊपर आप इस टाइप के एप्लीकेशन बना सकते हैं, वीडियो, म्यूजिक, रेडियो, चैट ऐप, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। यहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं सारी चीज़ें, जैसे नेम, कंट्री, ईमेल, पासवर्ड, सारी चीज़ें। बट अब मैं इस पर एक बार आपको साइन अप करके दिखा देता हूँ। तो ये जैसे हमारे साइन अप हो गया, ये साइन इन हो गए हम, ठीक है। अब मैं आज आपको एकदम क्लियरिटी आज आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है। हम ऐप पे क्लिक करेंगे और हमारे पास ये क्रिएट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है। हम यहाँ पे जैसे सपोज करो मैं अपना नेम डाल देता हूँ यहाँ पे कोई भी, ठीक है, या गूगल क्रोम को करना है तो गूगल क्रोम का हम ऑन कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप आइकन चूज करना चाहते हैं, कोई भी आपके पास आइकन हो, सपोज कोई भी रख देते हैं, जैसे आप इनका भी इनके खुद के आइकन भी रख सकते हैं, जैसे इनके खुद के हैं, जैसे आप कोई भी आइकन रख लेते हैं इनमें, सपोज करो मैं ये आइकन रख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास लैंग्वेज आ रही है, और आप डिस्क्रिप्शन में जैसे यहाँ पे मैं देता हूँ गूगल क्रोम एप्लीकेशन, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी लैंग्वेज और सिलेक्ट करनी है हमें, यहाँ पे हम रख लेते हैं, यही रख लेते हैं ना, कोई 1 रखनी है, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं और हम इंग्लिश सिलेक्ट कर लेते हैं और हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ गया है कौन से कलर चाहिए आपको, सपोज कर मैं ब्लू रख लेता हूँ या फिर रेड रख लेता हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब हमारे पास वेब एप्लीकेशन चाहिए तो हम वेब पे क्लिक करेंगे, और सिंपल यहाँ पे हमें गूगल का चाहिए तो हम यहाँ पे गूगल लिख देंगे, और यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं गूगल, ठीक है। ये हमारे पास URL आ गया है, अब हम इसको कॉपी करके यहाँ से यहाँ कर देते हैं और ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, गो टू ऐप मैनेजर। हम वेट करते हैं थोड़ी देर और मैं आपको सही तरीका बताऊंगा आप किस तरीके से कर सकते हैं। ये हमारे पास ब्राउज़र बन के आ गया और ये हमारे पास कह रहा है फ़ोन और टैबलेट के लिए आपके पास बन चुका है। और अब हमारे पास ये साइड ऑप्शन आ रहे हैं, जनरल इन्फो, जनरल में हमारे पास नाम वाम ये सारी चीज़ें आ गई एप्लीकेशन की सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास सेकेंड नंबर पर ऑप्शन है शेयर,
शेयर करने के लिए आपको URL डाल सकते हैं यहाँ पे, लॉन्च ऐप, ठीक है, रेट अपने एप्लीकेशन को, रेटिंग देना चाहते हैं तो आप वो रेटिंग ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ गई हमारे पास गाइड की बात, ठीक है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे हमारे पास आ गई एड्स जो हमारे पास मेन है। अब मैं आपको एडमो अकाउंट पे देके चलता हूँ। ये हमारे पास एडमो आ गया है, तो इसके अंदर आपको साइन अप करना होगा सब कुछ चीज़ें, बट मैं आपको यहाँ पे डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं डाल देता हूँ गूगल टेस्ट एड्स, ठीक है, इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है गूगल एड्स पे कैसे अकाउंट बना सकते हैं आप, तो इसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। अरे यहाँ पे आप ये क्लिक कर दोगे तो हमारे पास ये टेस्टिंग ऐड आ जाएंगी इनकी, ये जैसे ऐप ओपन, बैनर, इंडस्ट्रियल रिवार्डेड, मतलब इस टाइप की जो भी हमारी वीडियो बैनर ऐड होती हैं वो हमें अकाउंट बनाने के बाद भी इस टाइप की मिल जाएंगी। टेस्टिंग ऐड है, सपोज मैं आपको ऑन कर रख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐड यूनिट आईडी, हमारे पास जो हमारा अकाउंट बनता है वो यूनिट आईडी डालनी होती है हमें यहाँ पे मेन, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये हमारे पास इस टाइप की ऐड यूनिट आईडी होती है, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम रख देते हैं, ठीक है। बैनर ऐड चाहिए, बैनर ऐड की चाहिए तो हम बैनर ऐड की रखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बैनर पे क्लिक कर देता हूँ मैं और ये बैनर ऐड की एड्स देते रहा हमें, ये हमारे पास आ गई है, ये हमारे पास बैनर एड्स, ठीक है। हम इसका ये कॉपी करते हैं और यहाँ से हम यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मतलब सारी चीज़ आपको फिल करनी है, यूनिटी एड्स यूज़ करते हैं तो उसकी प्लेसमेंट आईडी डाल देनी है आपको, ऐसी वीडियो एड्स की डालनी है जो आपको दिखा रखी है, इंडस्ट्रियल एड, इस टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हैं और हम सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, इस तरीके से हमारी ऐड लग जाएंगी, ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर। और अब हमारे पास आ गई है लास्ट चीज़, हमारा एप्लीकेशन बन गया है, डाउनलोड करना है हमें, और ये हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया है, ये देखो, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पर डालोगे तो आपके पास, मैं आपको यहाँ पर दूसरी वो दिखाता हूँ, गूगल GDPR मैसेज, ठीक है, ये आपको ऑन करना होता है एड मोड, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे कोड तो है नहीं तो आप ऑन कहाँ से करोगे ये बता देना आप मेरे को। ये अदर्स कंट्री, कुछ कंट्री हैं UK, इन सब में आपको ऑन कराने के लिए यूरोपियन, उनके लिए आपको कोड लिखना पड़ता है, तो आप कैसे ऑन करोगे, ठीक है। तो आपका एप्लीकेशन यहाँ से आपका एडमो अकाउंट डिलीट हो जाएगा और आप वन टाइम ये अकाउंट बनता है आपके पास, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी ऐप क्रिएटर की बात। अब मैं आपको सही तरीके पे लेके चलता हूँ, आप इस तरीके से प्ले स्टोर पर डालो तो प्ले स्टोर पर आप देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 20 टेस्टर गूगल प्ले, ये आ गया ना, आपको यहाँ भी टेस्टिंग करानी होती है और आपको यहाँ पे एप्लीकेशन रिजेक्ट होना ही होना है फाइनल, तो इस तरीके से भी आपको करना गलत है। ये पहले टाइम में काफ़ी चलता था बट 2024 में और 2025 में आगे आपको इन चीज़ों पे आप नहीं सक्सेस हो पाओगे। तो आज आपको मैं YouTube पे आपको काफ़ी सारे लोग बस अर्निंग पर्पज से अपने अर्निंग के लिए वीडियो बना रहे हैं, बट अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ आप कैसे कर सकते हैं, तो लेट्स गो स्टार्ट। इस तरीके से आपका एप्लीकेशन डेवलप तो हो जाएगा, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जहाँ पे अपलोड करने की और अर्निंग की बात आती है हम उस चीज़ पे डिस्कस करते हैं और मैं आपको सही तरीका सजेस्ट करूँगा। तो आप प्ले स्टोर पे अपना एप्लीकेशन डालने जाओगे तो वहाँ पे आपके पास 20 टेस्ट की 14 डेज की टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका एप्लीकेशन इस तरीके से आपका एप्लीकेशन पास ही नहीं करेंगे वो, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप नोटिस करो, अगर आपका एप्लीकेशन ऐसे पास भी हो गया तो आप जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन डालोगे तो चाहे अमेजोन चाहे प्ले स्टोर, तो आपका वहाँ पे
GDR भी है गूगल एड मूव, मतलब जो अदर कंट्री है तो उनमें GDR भी मैसेज देना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप ही, आपके पास कोडिंग एप्लीकेशन तो है नहीं, तो आप जैसे ही अपलोड करोगे आप कोड कहाँ लिखोगे, तो आपका एरर आएगी, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और आपका जो एडमो अकाउंट होता है वो लाइफ में वन टाइम बनता है और वो सस्पेंड हो जाएगा, फिर आपको अर्निंग नहीं कर पाएंगे। और अब मैं आपको सही तरीके की तरफ लेके चलता हूँ कि आप सही तरीके से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके को यूज़ करना तो आप कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंडेड नहीं करता, मैं ओनली कोड एप्लीकेशन को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम चाहिए तो आप वर्डप्रेस का यूज़ करें, उसके थ्रू आप वेबसाइट बना के या गूगल साइट के थ्रू आप वेबसाइट बना के उसे आप वेब व्यू में कन्वर्ट करके आप अर्निंग कर सकते हैं ऐड लगा के, तो मैं उस चीज़ को रिकमेंडेड करता हूँ। आप इन चीज़ों में ना पड़े, क्योंकि आज की डेट में चाहे आप यूट्यूब यूज़ करते हो चाहे कहीं भी, रीयूज कंटेंट की आपको पॉलिसी अगेंस्ट हो जाती है, आपके सारे अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाते हैं, चाहे आपका यूट्यूब अकाउंट हो, ऐड मो या एप्लीकेशन प्ले स्टोर अकाउंट कोई भी हो, सारे सस्पेंड हो जाते हैं। तो इसके अंदर आपको ऐप क्रिएटर के अंदर आप करते हैं तो रीयूज कंटेंट आपकी तरह अदर भी लोग यहाँ से क्रिएट कर रहे होंगे, तो सिंपली आप इनको ना यूज़ करें, बेस्ट ऑप्शन यही है। अगर आपको चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए देख के आऊँगा, बताना आप मेरे कमेंट में। यहाँ पे लिखना है आपको एंड्रॉयड स्टूडियो, आपको ज़्यादा कोड नहीं लिखना होगा, लेकिन आपका एकदम लाइफ टाइम के लिए सेफ एप्लीकेशन और आप कस्टमाइज कर सकेंगे लाइफ टाइम के लिए। तो ये आपके पास एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करना है, ये सिंपली आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप मोबाइल से बना रहे तो आपके लिए वही बेस्ट तरीका है, अगर आपके पास डेस्कटॉप है या आप कैफे पे जाके आप कर सकते हैं चीज़ें, सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर लेना। और मैं इसके लिए नेक्स्ट पार्ट डाऊँगा, उसके अंदर आपको मैंने एडमो एड्स सारी चीज़ें आपको डिस्कस करके लगाई है, इसके अंदर GDRP मैसेज जो भी है वो मैंने कंप्लीट बताया आपका इंस्टॉल करने के लिए भी सेटअप नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वो पार्ट चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताना, आपको आगे लाइफ टाइम तक के लिए कस्टमाइज एप्लीकेशन मिलेगा, तो आप मेरे कमेंट करके बताना। अगर आपको सेकेंड स्टेप से कोड वाले एप्लीकेशन चाहिए, आपको ओनली कॉपी पेस्ट करना है कोड, मैं आपको कोड लिख के दूंगा, तो आपकी अर्निंग बेस्ट हो सकेगी। तो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हाँ जी, अगर आप इस तरीके को फिर भी यूज़ करना चाहते हैं तो दोनों चीज़ का लिंक मैंने एंड में दे रखा है दोनों वीडियो। अगर आप यही एप्लीकेशन को आप पब्लिश करना चाहते हैं तो अमेजोन अकाउंट पर आप कैसे, अमेजोन डेवलपर अकाउंट पर आप कैसे अपलोड कर सकते हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आप एडमो के बारे में सीखना चाहते हैं, एडमो पर अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसके लिए भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है। दोनों वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन में आप वॉच कर सकते हैं।